हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ वीणा। आपका स्वादिष्ट चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे इवनिंग टी स्नैक्स बेसन की पपड़ी। इसके लिए हमने लिया है 1 कटोरी बेसन, 1/4 कटोरी चावल का आटा, हींग, जीरा पाउडर, अजवाइन, तिल, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, स्वादानुसार नमक और आटा गूंदने के लिए पानी और तलने के लिए तेल। अब हम आटा गूंद लेते हैं। हमने इसमें चुटकी भर हींग डाल दिया है। स्वादानुसार डालेंगे नमक 1 टीस्पून, जीरा पाउडर, अजवाइन, इसे हमने थोड़ा सा कूट लिया है अजवाइन को, 1 टीस्पून, मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून तिल, और मोयन के लिए 3 चम्मच तेल, 3 टेबलस्पून हमने इसमें तेल डाल दिया। अब हम इसे आवश्यकता अनुसार पानी डालकर अच्छे से आटे को गूंद लेते हैं। हमारा आटा गूंदकर रेडी हो चुका है। ज़्यादा कड़ा नहीं और ज़्यादा सॉफ्ट नहीं, ऐसा हमने आटा गूंदा है। इस कटोरी से आटा गूंदने में हमें 3/4 कटोरी, हमने 1 कटोरी पानी लिया था, 3/4 कटोरी ही लगा, इतना पानी बच गया है। अब हम ये पपड़ी बनाने के लिए ये चकली की मशीन लेंगे, जिसमें हम ये वाली ब्लेड यूज़ करेंगे। इस ब्लेड से हम पपड़ी बनाएंगे। अगर आपके पास ये मशीन नहीं है तो आप इसकी रोटी बेल लो चकले पे और पतली पतली स्ट्रिप्स कट करके उसे पट्टियाँ बनाकर आप तल सकते हो तो भी पपड़ी बन जाएगी। लेकिन उसके लिए आटा आप थोड़ा सा सख्त गूंद लीजिए। हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। अब हम पापड़ी तलेंगे। चेक करते हैं तेल हमारा गरम हो चुका है। हाँ, तेल हमारा बहुत अच्छी तरह से गरम हो चुका है। अब हम पापड़ी तलेंगे। चाय के साथ खाने के लिए हमारी ये क्रिस्पी पापड़ी बेसन की रेडी हो चुकी है। आप जरूर ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी लगती है। आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन की घंटी जरूर बजाइए। थैंक्स, बाय बाय।